पाक दिवस पर पाक उच्चायोग की दावत में बेमन से पहुंचे थे विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह। डिनर से लौटने के बाद एक के बाद एक 5 ट्वीट कर जताई अपनी मजबूरी। वीके सिंह ने ट्वीट में इशारों में जाहिर किया असंतोष, लिखा एक काम जिसे करने के लिए व्यक्ति नैतिक या कानूनी कारणों से विवश होता है। सोमवार शाम पाकिस्तान दिवस पर आयोजित डिनर में शिरकत करने पाक उच्चायोग पहुंचे थे वीके सिंह, 10 मिनट में ही समारोह से लौट आए थे। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर भी समारोह में शिरकत करने पाक उच्चायोग पहुंचे थे, राम जेठमलानी भी वहां पर मौजूद थे। पाकिस्तान उच्चायोग में आयोजित समारोह में हुर्रियत के कई बड़े नेता भी हुए थे शामिल, मीरवाइज उमर फारूक, सैयद अली शाह गिलानी, यासिन मलिक भी थे मौजूद। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ट्विटर पर लिखा विदेश राज्य मंत्री होकर वीके सिंह कैसे रह सकते थे समारोह से नदारद। पाक उच्चायोग की पार्टी में अलगाववादियों को न्योते और केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी पर उठे सवाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना। पाक उच्चायोग की पार्टी में शिरकत करने पहुंचे कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा हुर्रियत नेता पिछले 15 सालों से मिलते आ रहे हैं। को लगता है कि मूर्खपना था कि इस मुद्दे को लेकर हम जो वार्तालाप से ही कुछ फायदा उठा सकते हैं उस वार्तालाप को हमने पिछले अगस्त महीने में रोका। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक और विवादित बयान, मुफ्ती का आरोप सेना के कुछ अफसरों ने मेडल के लिए फर्जी एनकाउंटर किए। मुफ्ती मोहम्मद का बयान, राज्य में धीरे धीरे AFSP यानी कि अफसा को हटाने की प्रक्रिया की जाएगी शुरू। मुफ्ती मोहम्मद के हालिया बयानों से संघ नाराज, सोमवार को बीजेपी के साथ समन्वय समिति की बैठक में जताई आपत्ति। बैठक में मौजूद संघ नेताओं ने बीजेपी को दी हिदायत, कश्मीर के मुद्दे पर सोच विचार कर फैसला ले पार्टी। नितिन गडकरी के घर हुई बैठक में भूमि अधिग्रहण बिल पर भी चर्चा, RSS ने कहा किसान विरोधी छवि से बचे सरकार। शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती ने साईं ट्रस्ट पर एक बार फिर से बोला हमला, कहा साईं ट्रस्ट के पास ठगी का पैसा। शताब्दी मनाने जा रहे हैं और शताब्दी में 1200 करोड़ रुपया खर्च और वो जो रुपया है वो ठगी का रुपया। क्लीन यमुना मुहिम से जुड़े लोगों का दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर प्रदर्शन, यमुना को दूषित होने से बचाने की मांग। लोकसभा चुनाव में शर्मनाक हार का मुलायम को अब तक मलाल, कार्यकर्ताओं से कहा आपने कर दिया पार्टी का सत्यानाश। लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में बोले मुलायम, लोकसभा की 40-45 सीटें जीत जाती तो केंद्र में बनती समाजवादी की सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने किया ट्वीट, अब हम में कोई अनबन नहीं, बस इतना है कि अब वो मन नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बाबू जगजीवन राम अस्पताल का किया अचानक निरीक्षण, कर्मचारियों मरीजों से जानी उनकी समस्याएं। पूर्वी दिल्ली नगर निगम हाउस की बैठक में कांग्रेस के पार्षदों का जमकर हंगामा, गरीबों को पेंशन देने की मांग, सदन नहीं चलने देने की भी दी धमकी। पुणे के करीब खेड़ तहसील में आरक्षित SEZ के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन, सरकार के सहयोगी दल स्वाभिमानी क्षेत्रकारी संगठन के सांसद राजू शेट्टी ने की अगुवाई। प्रकृति की कठोर मार झेल न सका उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ का किसान, ओले से बर्बाद फसल देखकर अतरौली इलाके के किसान नेम सिंह के सदमे से हो गई मौत। शनिवार को अलीगढ़ में तेज बारिश के साथ गिरे थे ओले, नेम सिंह रात को ही खेतों पर फसल देखने पहुंच गए थे, आलू गेहूं की बर्बाद फसल को देखकर हार्ट अटैक आ गया। पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत पर कांग्रेस नेता थरूर का बयान, कहा इस बात की अब तक नहीं मिले सबूत कि सुनंदा का हुआ था कत्ल, बोले न्यायिक प्रक्रिया पर है पूरा भरोसा।
रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने आनंदपुर साहिब से अमृतसर के लिए ट्रेन सेवा का किया उद्घाटन। यात्रियों के लिए 13 अप्रैल से शुरू होगी ट्रेन। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने महिला विधायकों के साथ विधानसभा में रचाई मेहंदी। गणगौर पर्व का था मौका। राजस्थान के सरकारी निजी स्कूलों में सूर्य नमस्कार योग शिक्षा अनिवार्य करने पर बढ़ा विवाद। कई जगह हुआ विरोध प्रदर्शन। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने योग शिक्षा सूर्य नमस्कार के फरमान को माना इस्लाम विरोधी। वसुंधरा सरकार के फैसले को वापस लेने की मांग। मुंबई के मलाड इलाके में दर्दनाक हादसा। लिफ्ट में फंसकर 23 साल की लड़की आलिया की मौत। लिफ्ट से 10वीं मंजिल पर जा रही थी आलिया। पूरी तरह अंदर बंद होने के बाद भी लिफ्ट नहीं चली थी लेकिन बाहर निकलते वक्त चल पड़ी लिफ्ट। सलमान खान के हिट एंड रन केस में अदालत आज सलमान की याचिका पर सुना सकती है फैसला। अहम गवाह रविंद्र पाटिल का बयान दर्ज करने वाले अधिकारी से फिर पूछताछ के लिए याचिका। महाराष्ट्र में नवी मुंबई में चर्च पर हमला करने वाले का स्केच जारी। पुलिस ने आरोपी की सूचना देने वाले को 10,000 रुपए का इनाम देने का किया ऐलान। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने नवी मुंबई पुलिस को दी चेतावनी। कहा 48 घंटे में पुलिस करे ठोस कार्रवाई। लिव इन रिलेशन में साथ रहने वाले एक शख्स ने 30 साल की महिला की सरेआम चाकू घोंपकर हत्या की। दिल्ली के बादली के इलाके की वारदात। लोगों ने महिला की हत्या के आरोपी को मौके पर पकड़ा पुलिस के हवाले किया। अपने पति को छोड़कर 2 साल से देवेंद्र के साथ रह रही थी मृतक महिला। दिल्ली के मालवीय नगर में 10 रुपए के जल जीरे को लेकर झगड़ा। हत्या के दौरान ठेला लगाने वाले दीपक ने चाकू से ग्राहक सुनील पर किया हमला। घायल को अस्पताल में ले जाया गया बाद में हुई मौत। वारदात के बाद फरार हो गया था दीपक पुलिस ने किया गिरफ्तार। दिल्ली के पश्चिम विहार में 5वीं कक्षा की छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़। स्पोर्ट्स टीचर पर आरोप। जमानत पर परिजनों संग तमाम अभिभावकों ने किया हंगामा। साठ साल से ज्यादा की अभिनय यात्रा के बाद शशि कपूर को मिलेगा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। ऋषि कपूर ने ट्वीट कर दी बधाई। 77 साल के शशि कपूर अपने खानदान यानी कि कपूर खानदान में ये पुरस्कार पाने वाले तीसरे कलाकार। मिल चुका है पद्म भूषण सम्मान। कटरीना सोनम नवाजुद्दीन प्रसून जोशी ने भी दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिलने पर शशि कपूर को दी बधाई। मुंबई में अक्षय कुमार की फिल्म गब्बर का ट्रेलर लॉन्च। मई में रिलीज हो सकती है फिल्म। फिल्म में अक्षय के साथ श्रुति हसन। गब्बर नाम पर बोले अक्षय कहा फिल्म शोले के किरदार से नहीं है कोई समानता। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक नायक के जंग की है कहानी। इस वक्त ऑकलैंड में दक्षिण अफ्रीका न्यूजीलैंड के बीच पहला सेमीफाइनल मुकाबला बारिश की वजह से रुका हुआ है। दक्षिण अफ्रीका ने 38 ओवर में 3 विकेट पर 216 रन बना लिए हैं। कप्तान डिविलियर्स तूफानी अर्धशतक लगाकर क्रीज पर हैं। डुप्लेसिस शानदार 82 रन बनाकर नाबाद हैं। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए दक्षिण अफ्रीका की खराब शुरुआत। 31 रन पर 2 बल्लेबाज लौट चुके थे पेविलियन। डुप्लेसिस ने टीम को संकट से उबारा। भारत ऑस्ट्रेलिया सेमीफाइनल मुकाबले से पहले बोले ब्रेटली कहा सिडनी में टॉस की होगी अहम भूमिका। भारत के पास बढ़िया मौका लेकिन मैं ऑस्ट्रेलिया के साथ। इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन ने कहा दोनों टीमों के बीच बराबरी का मुकाबला। भारत को मैक्सवेल से रहना होगा सावधान। सीरिया की वायुसेना ने सोमवार को एडविल प्रांत में बमबारी की। बागियों ने क्रैश हुए मिलिट्री हेलीकॉप्टर के सदस्यों को बना लिया था बंधक। पुरातत्वविदों ने अर्जेंटीना में खोजा ऐतिहासिक खंडहर। किया दावा कभी जर्मनी से भागे नाजियों ने यहां ली थी शरण। खंडहर में जर्मन के सिक्के भी मिले। सिंगापुर के जनक और पहले प्रधानमंत्री ली क्वान यू का पार्थिव शरीर इस्तागा लाया गया। राष्ट्रपति निवास में अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया।
सोमवार को 91 साल के ली कुआन यू का निधन हुआ था, निमोनिया से पीड़ित थे। सेना की वापसी पर अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और अब्दुल्ला अब्दुल्ला की ओबामा राष्ट्र के प्रशासन के अधिकारियों के साथ बातचीत, कैंप डेविड में शुरू हुई वार्ता।